भारती न्यूज़। भारतीय विद्यापीठ के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए देश के विभिन्न अंचलों से मीडिया शिक्षक अध्येता यहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं भारतीय विद्यापीठ के पत्रकारिता के विद्यार्थी। भारतीय विद्यापीठ एक ऐसा संस्थान जिसकी कल्पना की डॉक्टर पतंगराव कदम ने सन 1964 में। एक सामान्य अंशकालिक शिक्षक जो न्यूनतम अपने साधनों से जूझ रहे थे, जब उन्होंने ये महसूस किया कि 5 किलोमीटर दूर मुझे पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, कैसे समाज के उपेक्षित वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा की दुनिया से जोड़ा जाए, और उन्होंने एक कमरे से अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू की भारतीय विद्यापीठ से, और आज पिछले लगभग 4 दशक में इस विश्वविद्यालय ने पूरे देश में न सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में वरन अकादमिक क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। ये सब कुछ संभव हुआ एक शिक्षाविद और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कदम की मेहनत का एक परिणाम है। आज यह विद्यापीठ दिल्ली स्थित परिसर में हम उपस्थित हैं और यहाँ का यह स्टूडियो शायद देश के किसी भी मीडिया चैनल की टक्कर में खड़ा है और यहीं से हम लाइव शो कर रहे हैं। मेरे साथ में है डॉक्टर तनु डांग जो यहाँ IP यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है, प्रोफेसर मनोज दयाल गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार जो वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है, उनके साथ है डॉक्टर पवन सिंह जो JC बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, और उनके साथ हैं प्रोफेसर दिनेश चहल जो शिक्षा विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा विषय है मीडिया लोकतंत्र की चौथी सत्ता। हम सभी जानते हैं 3 सत्ताएं बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं हमारे देश में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और खबर पालिका अर्थात मीडिया। भारत में मीडिया वस्तुतः औपनिवेशिक काल की उपज है। जहां तक फोर्थ स्टेट की हम बात करते हैं, इस शब्द का पहली बार उपयोग किया था बर्क ने जब वो संसदीय बहस में हिस्सा ले रहे थे, तो उन्होंने कहा यहाँ 3 स्टेट तो है, चौथी स्टेट नहीं है, वो है प्रेस गैलरी। और बाद में कार्वाइल नाम के एक ऑथर ने अपने को उपन्यास में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि बर्क ने ये जो ओरिजिन इस शब्द का है वो बर्क से है। तो मीडिया चौथी सत्ता के रूप में या वॉच डॉग के रूप में, प्रहरी कुत्ते के समान, जिस प्रकार से एक डॉग या कुत्ता अपने पूरे सोसाइटी का या समाज की रक्षा करता है, प्रहरी के रूप में वो एक तरह से आपकी चौकसी करता है, तो मीडिया भी इस देश में दुनिया में जहां कहीं अव्यवस्था है, विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार है, उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के अपने उन प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि औपनिवेशिक काल की उपज, जब ब्रिटिश सत्ता हमारे देश में थी उस समय पत्रकारिता का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, साधन सीमित थे, साक्षरता कम थी, लेकिन इन्हीं पत्र पत्रिकाओं ने, तत्कालीन संपादकों ने अपने लेखन के माध्यम से इस पूरे देश की विचार चेतना को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। इसकी पूरी पीठिका की ओर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन उद्देश्यों से पत्रकारिता हमारे देश में शुरू हुई, जिस मिशनरी भावना से पत्रकारिता शुरू हुई, आजादी के बाद धीरे धीरे ये मिशन भाव विलुप्त होता चला है। पत्रकारिता मिशन से प्रोफेशन, और क्षमा कीजिए कहते हुए कि प्रोफेशन से कमीशन के रूप में बदलने लगे। हमारे साथ वरिष्ठ प्रोफेसर मनोज दयाल हैं, लंबा समय इनका बीता है मीडिया कर्मियों की नई पीढ़ी को तैयार करने में। तो प्रोफेसर दयाल, आप क्या सोचते हैं आजादी के 75 साल के बाद आज पत्रकारिता ने किस रूप में अपना एक स्वरूप ग्रहण किया है, जब कितनी तरह के खतरे पत्रकारों पर मंडरा रहे, अपने कार्य को करते हुए कई बार उनको अपने जान की बलिदान देना पड़ जाता है, और फ्रीडम इंडेक्स में हमारे देश का स्थान, ये अलग बात है कि वो जो अध्ययन किया गया है वो कितना ठीक है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम 160 के आसपास हैं 180 देशों। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में आप मीडिया के चौथी सत्ता की उस भूमिका को किस रूप में देखते हैं? As you all know that National Education Policy 2020 is not against English, but it keeps
बट इट गिव्स एम्फेसिस टू द इंडियन लैंग्वेजेस, इसलिए मैं अपने विचार दोनों भाषा में रखूंगा। और संजीव भनावत सर का पहला प्रश्न ये है कि चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का क्या रूप स्वरूप है। तो सबसे पहले हम चौथे स्तंभ से क्या आशा रखते हैं, समाज चौथे स्तंभ से क्या आशा रखता है? समाज ये आशा रखता है सामान्यतः कि हम विधायिका की सारी गंदगी को हम ही साफ करें, कार्यपालिका की सारी त्रुटियों को हम ही ठीक करें, और न्यायपालिका की भी सारी त्रुटियों को ठीक करें। और इस आशा में हमारे समाज को मीडिया से प्रायः निराशा हो जाती है, क्योंकि मीडिया का इतना बड़ा दायित्व तो नहीं है जो हम आशा रखते हैं। हमारी आशा में ही कहीं ना कहीं पर त्रुटि है। मीडिया एक दर्पण है, मीडिया का काम है घटना जो समाज में हो रही है उसको हम समाज के समक्ष खूब विद फैक्चुअलिटी एक्यूरेसी बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस हम रखते हैं, और उसका फिर समाज पर जैसे उसको समाज जो रूप स्वरूप ग्रहण करे। अभी अभी संजीव भनावत जी ने बताया कि मीडिया का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है चौकसी, वॉचडॉग, प्रहरी, जिसको लैसवेल ने कहा था सर्वेलेंस फंक्शन ऑफ मीडिया, तो वो भी एक मीडिया की भूमिका है। मीडिया एक दर्पण के रूप में, दीपक के रूप में भी काम करता है। एक तो दर्पण हो, दूसरा दीपक, दीपक का अर्थ है समाज में, समाज में कई विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मीडिया समाज को नई दिशा देता है या देने का प्रयास करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मीडिया और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मीडिया भी कोई आसमान से टपक कर नहीं आया, इसी समाज की देन है। और कहते हैं जैसा मीडिया, जैसा समाज होगा वैसा ही मीडिया होगा। समाज में यदि लोकतंत्र मजबूत होगा तो मीडिया के भी लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होगी। समाज में अगर आर्थिक उदार नीतियां अपनाई जाएगी तो मीडिया भी तुलनात्मक रूप से अधिक उदारीकृत होगा। यानी समाज का सीधा प्रभाव मीडिया पर भी पड़ता है, लेकिन मीडिया का भी प्रभाव समाज पर पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक, मैंने बताया इंटरडिपेंडेंट। ऐसा नहीं, ये नहीं कि समाज में भ्रष्टाचार है तो मीडिया भी भ्रष्ट हो गया, मीडिया अपना प्रभाव भी समाज पर छोड़ता है। और मीडिया का प्रभाव ये उसके लिए चुनौती के साथ, यह मैंने पहले भी कहा कि कोई समाज सुधारक नहीं है, लेकिन यह समाज में एक दर्पण का और दीपक का काम करता है। कई बार मीडिया एक प्रेरक, एक कैटालिटिक एजेंट जिसको कहते हैं, प्रेरक का काम करता है, भाग नहीं लेता, लेकिन अखबार में छप जाने से या किसी भी मीडिया में छप जाने से उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी गति बढ़ती है। कभी कभी गति उल्टी भी हो जाती है अगर गलत छपता है। कैटालिटिक एजेंट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, तो मीडिया इज ए मिरर, मीडिया इज ए टॉर्च, मीडिया इज ए कैटालिटिक एजेंट, मीडिया इज ए वॉचडॉग, एंड मीडिया समटाइम्स आल्सो वर्क्स एज एन एक्टिविस्ट आल्सो। कुछ केसेस देखे गए हैं, हालांकि वो बड़ा विवादित विषय है कि मीडिया को एक्टिविस्ट का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मीडिया की ये सारी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तरुण जी, मनोज जी ने बताया कि मीडिया कहीं उत्प्रेरक है, कहीं एक्टिविस्ट है, और हर समस्या के समाधान के लिए मीडिया से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी अपनी आशा, आकांक्षा, पीड़ा, व्यथा उसको उन नीति निर्माताओं तक, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, मेरे घर के बाहर सड़क नहीं बनी है, विश्वविद्यालय से मेरी डिग्री नहीं मिल रही है, मेरे को जो भी समस्या है मैं उस अनाम संपादक की ओर देखता हूँ कि शायद वो मेरी समस्या का समाधान कर देगा। तो आपको क्या लगता है जिस मीडिया से हम समाज और सरकार जो सत्ता में बैठे हुए हैं उसके बीच में खुल का काम करने की जो एक मूल भावना की हम बात करते थे, क्योंकि आजादी के दौर में यही वो समाचार पत्र थे जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से एक विचार चेतना को जगाया, तो क्या आपको कहीं लगता है कि हमारा ये मीडिया उस विचार को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है? वो जो हमारी ये संपादकीय संस्था है वो उसको नेतृत्व नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब मनोज जी को ये कहना पड़ता है कि वो समाज उसको इतनी अपेक्षाएं करना ठीक नहीं, आप क्या महसूस करती हैं? आपने बहुत सारा शोध किया है, अनुसंधान किया है, और पिछले दो दशक से आप मीडिया और मीडिया अध्यापन से जुड़ी हुई है, किस रूप में सारे दौर को आप देखती हैं?
जी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, आपने भी कई सारी चीजें रखी, फ्रीडम इंडेक्स की बात की, मनोज सर ने भी बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने रखे और खासकर रोल ऑफ मीडिया को ज्यादा डिफाइन किया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या रोल है। ये बात सच है कि एज इंडिविजुअल्स, एज मासेस, क्योंकि हम इसे मास मीडियम समझते हैं, हमारी अपेक्षा रहती है इस माध्यम से कि हमारी बात को ये सरकार तक पहुंचाए, नीति निर्माण में हमारी बात की सुनवाई हो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, खासकर क्योंकि हम एक विकसित देश का विकसित की तरफ जा रहे हैं, विकासशील देश हैं हम, और इस विकासशील देश में तरक्की तभी हो सकती है जब विकास के मुद्दों में आम जनता को शामिल किया जाए, और शायद मीडिया ये रोल बखूबी निभा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, खासकर जब से सिटीजन जर्नलिज्म सामने आया है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामने आए हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे जरिया मिल गए हैं, बहुत सारे पत्रकार जो शायद उन मीडिया चैनलों के माध्यम से वो बातें नहीं कर सकते थे या नहीं कह पाते थे और उन मुद्दों को सामने नहीं रख पाते थे, वो अब सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से उन चीजों को लोगों के सामने ला रहे हैं, क्योंकि मीडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ओपिनियन फॉर्मेशन का, उसमें मीडिया की भागीदारी अनचैलेंज्ड है और वो रोल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो जब हम पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम मीडिया के रोल को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पार्टिसिपेटिव बनाता है। एडवोकेसी के रोल की बात हुई, हम बहुत सारे ऐसे एरियाज देख सकते हैं, अभी रिसेंटली कोविड का फेज हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया और मीडिया ने कैसे उसमें एक अहम भूमिका निभाई। तो एडवोकेसी रोल वैक्सीनेशन को लेकर जो मीडिया ने प्ले किया वो बहुत ही सशक्त था और कोई माध्यम उतना बड़ा मैसिव इफेक्ट नहीं ला सकता था। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम डेफिनेटली मीडिया के जरिए वो लाने की बात करते हैं। बहुत सारे थ्योरिस्ट ने इस बात को कहा है और मल्टीप्लायर इफेक्ट तभी आ सकता है जब मीडिया उसे मंच प्रदान करे। तो मीडिया इज बाय द मासेस और सिटीजन जर्नलिज्म के बाद ये और ज्यादा होने लग गया है। तो मुझे लगता है ये अपेक्षाएं मीडिया पूरी कर रहा है और जहां वो उस मंच के जरिए नहीं कर पा रहा, वो दूसरे मंचों के माध्यम से लोगों के बीच में बातें पहुंचाने, उन मुद्दों पर डिस्कशन को इनिशिएट करने और ओपिनियन फॉर्मेशन में आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। पवन जी, तरुण जी ने कहा कि मीडिया केवल रेडियो, टीवी और अखबार तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया की भी। मुझे लगता है कि जब लोकतंत्र की बात करते हैं जहां फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, तो सोशल मीडिया ने आम आदमी को एक मंच दिया है जहां वो अपनी बात कह सकने के लिए सक्षम है और वो भी लगभग निशुल्क, यदि आपके पास वो वाईफाई या नेट कनेक्शन है तो अपनी बात आप रख सकते हैं। तो शायद सूचनाओं का वास्तविक लोकतांत्रिकरण आज के दौर में हो रहा है, लेकिन उसके साथ भ्रामक समाचार, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि किसी प्रकार का संपादकीय नियंत्रण नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के डिजिटल माध्यमों के प्रवेश ने जहां रेडियो, टीवी, अखबार को आपने मोबाइल में लाके समेट दिया है, वहीं आम आदमी को ये सुविधा स्वतंत्रता दी है, तो आप क्या देखते हैं आने वाले दौर में जब आम आदमी रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा है, तो किस तरह से ये माध्यम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने के लिए अपनी कोई प्रभावी भूमिका निभा पाएंगे? डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा विषय है रोल ऑफ मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी, इसके अंदर जो दो शब्द है, वन इज द मीडिया एंड अनदर वर्ड इज अ डेमोक्रेसी, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो कुल मिलाकर किसी भी देश के डायरेक्शन को तय करते हैं। हम सब लोग क्योंकि कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो देश को चलाते हैं। और जब हम मीडिया की बात करते हैं तो जैसा सर ने भी कहा अभी कि मीडिया will play a role as a watchdog, यानी कि सरकार जब गलत करेगी, लोकतंत्र में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जब कुछ गलत करेंगे तो मीडिया के थ्रू उनके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मीडिया के बहुत से स्टूडेंट सामने इस पैनल डिस्कशन में बैठे हुए हैं, आज हम मीडिया के सबसे गोल्डन पीरियड में हैं। आप 20-25 साल पहले जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एक जर्नलिस्ट को कितनी एफर्ट्स करनी पड़ती थी, न्यूज निकालने से लेकर उस न्यूज को ट्रांसलेट करने से लेकर टेक्निकल पार्ट से लेकर सब चीजों में एक लंबा एफर्ट लगता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो टेक्निकल सपोर्ट हम सब लोगों के पास है। और जहां आपने ये प्रश्न पूछा कि सोशल मीडिया का दौर है और अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि सिटीजन जर्नलिज्म,
मेरा इसके अंदर थोड़ा सा दूसरा सोचना है। मैं हमेशा कहता हूं कि एवरी यूट्यूबर इज नॉट अ जर्नलिस्ट। जैसे अगर आपको लॉ की पढ़ाई करने के बाद, आपको कहीं से डिग्री लेने के बाद आपको उसका एसोसिएशन लेना पड़ता है, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सीए की पढ़ाई करने के बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ऐसे ही मीडिया की पढ़ाई करने के बाद वो पढ़े हुए लोग, वो टैलेंटेड लोग, वो एक्सपर्टाइज लोग जाकर मीडिया की दिशा तय करेंगे, तब मीडिया अच्छा होने वाला है। नहीं तो आपको, हमें ध्यान में है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति मोबाइल लेकर यह सोचता है कि आई एम अ जर्नलिस्ट, और वो बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ भी शूट कर कुछ भी लिखकर सोशल मीडिया पे डाल देता है, और उसके बाद जितने प्रकार के प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन मार्क होता है किसके ऊपर, जर्नलिस्ट पर। तो जैसे मेडिकल के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसे ही जर्नलिज्म के अंदर भी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हो सकते हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे हम जर्नलिज्म की बात करेंगे तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में आती है, जैसे आप जर्नलिज्म की बात करेंगे तो उसके साथ प्रॉक्सिमिटी ध्यान में आती है, जैसे हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसके साथ क्रेडिबिलिटी ध्यान में आती है, लेकिन जब आप हर यूट्यूबर को एक वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डालते हुए देखते हैं तो शायद वो इन सब एथिक्स को नहीं मानता होगा। तो मेरा पर्सनल टेक ये है कि मीडिया को अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो कहीं ना कहीं हमें उन सब जिम्मेवारियों को तय करना पड़ेगा। एक विषय और है इसमें, जब हम एज अ जर्नलिस्ट रोल प्ले करते हैं तो जर्नलिज्म के नाते, जर्नलिस्ट के नाते हमारा कोई पक्ष नहीं होता, ना हमारा सत्ता पक्ष होता है ना हमारा विपक्ष होता है, हमारा केवल एक ही पक्ष होता है, वो है जन पक्ष, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति है उस सामान्य व्यक्ति को की बात को, उसकी समस्या को, उसके विचार को मीडिया के माध्यम से जहां पहुंचाना है वहां अगर पहुंचा रहे हैं तो मुझे लगता है कि दैट इज अ ट्रू जर्नलिज्म। इन सब बातों का ध्यान हम रखेंगे तो मुझे लगता है कि आज जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क मीडिया के ऊपर आता है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होता है, तो कहीं ना कहीं ठीक होता है। आप भले ही सीधे मीडिया शिक्षण से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन शिक्षा से आप जुड़े हैं और शिक्षकों की पूरी नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, और शिक्षा के साथ मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे समाचार पत्र है, रेडियो है, टीवी है, उसमें एजुकेशन की एक बहुत बड़ी बीट होती है जहाँ शैक्षिक चीजों को कवर किया जाता है। अभी पवन जी कह रहे थे कि हर व्यक्ति पत्रकार नहीं हो सकता, कम्युनिकेटर हो सकता है, सूचना दे सकता है। आपको क्या लगता है एक शिक्षक के रूप में कि मीडिया जिस तरह से अपना काम कर रहा है, जब पवन जी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो आप एक अखबार के पाठक और उधर टीवी और रेडियो के श्रोता और दर्शक के रूप में क्या महसूस करते हैं कि ये जो सारी चुनौतियां हैं उसमें क्या किसी प्रकार की कोई आचार संहिता सरकार को या उसमें बनानी चाहिए, क्योंकि हर संस्थान की अपनी आचार संहिता है, परिपालना कौन कराए। तो आपको क्या लगता है एक सोसाइटी के या समाज के उस बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में कि मीडिया अपना काम करते समय क्या किसी प्रकार की आचार संहिता के लिए परिपालन के लिए बाध्य हो या उसको अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता, कोई नियम कानून कायदे लागू नहीं हो। जी, बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा अच्छा मुद्दा, इसको कहेंगे हम कि जहां हम कहते हैं किसी भी नियम कायदे कानून, कोई भी संस्था है, चाहे मीडिया हो चाहे ये संस्थान हो, जहाँ कायदे कानून नहीं होंगे फिर वहाँ एनार्की। और हम सर भारतीय विद्यापीठ में बैठे तो एक शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते कहूंगा, उस मीडिया का रोल भारतीयता को भी जगाने में हो और उसको विद्या देने में भी, तो उस पीठ में भारतीयता भी आए और विद्या भी आए। जहां तक आप बात मास मीडिया की और एजुकेशन के संबंध की कर रहे हैं, अभी डॉक्टर पवन जी कह रहे थे लोकतंत्र और जो हमारा मीडिया, लोकतंत्र की किसी भी सफलता के लिए शिक्षा बड़ा जरूरी अंग है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि वहां पे तीन आयाम, एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी और उसका जरिया शिक्षा, अगर तीनों मजबूत होंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। फिर आपने जनपक्ष की बात की, तो जनपक्ष कब आएगा, जब हमारा मीडिया स्ट्रोंग होगा। तो मीडिया एक तरह से माध्यम बने, हमारी एनडीपी 2020 आई है, होलिस्टिक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो होलिस्टिक एजुकेशन में एक मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। वहां पे माना ये जो 21वीं सदी के युवा बैठे हैं, 21वीं सदी में ये पुलिस चाहिए है, राइट? हमने बहुत कुछ बदलना है,
तो उसमें जो मीडिया का रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उसके साथ साथ मैं कहूंगा एक छोटी सी कहानी कि एक गांव था उसमें आग लगी, आग लगने के बाद सारे लोग भाग जाते, एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों जलने पे मजबूर, तो दोनों ने कहा कि मैं तेरी आंखें बनता हूँ तू मेरी टांगे बन, दोनों ने आपस में एक दूसरे की मदद की और वो दोनों बच जाते हैं, कहानी यहीं खत्म होती है। तो सेम रोल मीडिया का है यहाँ पे, उस समाज के लिए उस शिक्षा को और मीडिया को मिलना पड़ेगा उस समाज को बचाने के लिए, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, या उसको हम राष्ट्र कहें, वहां दोनों को मिलना होगा, दोनों को अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। और 21वीं सदी में तो सर बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को मैं कहूंगा कि हमने पाना बड़ी मुश्किल रहा है, गम का बादल है गनेरा, दैट मींस चैलेंजेस आर देयर, माना हमने माना बड़ी मुश्किलें है राह में, गम का बादल बहुत है गनेरा, एक दीपक जो आपने कहा था घर जल उठे तो काप जाए ये सारा अंधेरा, वो चैलेंजेस वो टारगेट हम अचीव कर सकते हैं अगर मीडिया को और शिक्षा को हम साथ साथ चलाएं। और उस सामाजिक सरोकार की आपने बात की थी, उस सामाजिक सरोकार में भी वो मीडिया और एजुकेशन दोनों जब एक दूसरे के सारथी बनेंगे तब हम कहेंगे बुद्धिजीवी भी पैदा होंगे, लेकिन अकेले बुद्धिजीवी नहीं श्रमजीवी भी पैदा कर, वहां पे हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल्स की बात नहीं, वहां पे हम कारोबारी और कारीगरी कैसे बढ़े वो मीडिया बताएगा, एजुकेशन उसको पूरा करेगा। तो उस तरह की शिक्षा हम देंगे जहां से मीडिया में दोनों दरिद्र भी और जो अमीर है दोनों को लाभ हो, जिसको आप मीडिया की भाषा में सस्ता सुंदर और टिकाऊ बोलते हैं। तो उस तरह की जब विद्या होगी, उस तरह का मीडिया जो अपना रोल प्ले करेगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा चैलेंजेस है या जो एनईपी 2020 की एक जीस्ट है कि हमें सबको सबको जीविका भी कमानी है लेकिन जीवन को भी उपयोगी बनाना है, तो वहाँ लर्निंग भी होगी, अनलर्निंग भी होगी, रीलर्निंग भी होगी, स्किलिंग भी होगी, अपस्किलिंग भी होगी, ये सारे के सारे जब हम दोनों आयामों को मिलाएंगे तो मीडिया को आप कहते हो लेखने वाले, तो मैं उसको कहता हूँ कलम सही होगी, उसके बाद कलम अगर सही है कदम भी सही होगी, और जब कलम और कदम सही होंगे हम कहते हैं कसम खा करके दैट मींस आवर डिटरमिनेशन, एज अ शिक्षक एज अ मीडिया कर्मी हम एक अपना डिटरमिनेशन करें कि हम इस पॉलिसी के माध्यम से समाज में और राष्ट्र में बदलाव लेकर आए। प्रोफेसर चहल, कलम और कदम के साथ कैमरा और जोड़ देते हैं क्योंकि स्टूडियो में बैठे हैं, तो एक पत्रकार कलम और कैमरे दोनों का धनी होता है, दोनों के माध्यम से अपनी बात करता है। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, शिक्षा और मीडिया का पारस्परिक संबंध, लेकिन आज के दौर में चुनौतियां बहुत हैं। अखबारों के जब हम सुबह सुबह अखबार देखते हैं, मुख्य पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ, सब बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिए हैं। टीवी ऑन करते हैं, प्राइम टाइम बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है, रेडियो का प्राइम टाइम बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है। ऐसे दौर में जिस जनपक्ष की बात की गई है, आम आदमी की वाणी को अभिव्यक्ति देने की बात की गई है, वो कहां से संभव है, क्योंकि सब कुछ उन बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है और वो जो दिखाएंगी पढ़ाएंगी हम वही पढ़ने के लिए अभिशप्त हैं। तो ऐसे दौर में जब संपादकीय संस्था का धीरे धीरे क्षरण होता चला जा रहा है, ऐसे दौर में पत्रकारिता की नई पीढ़ी को तैयार करने का संकल्प भारतीय विद्यापीठ ने लिया है और आज हमारे सामने बैचलर्स डिग्री के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित है जो अपने करियर को तलाशने के लिए इसमें आए। मैं ये मान के चलता हूँ, हालांकि संदेह है कि आप सब लोग नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे, देखने की बात नहीं कर रहा पढ़ते होंगे, है ना, क्योंकि बहुत विश्वविद्यालय में हम गए हैं और उस पीड़ा को भी मैंने भुगता है शिक्षक के रूप में, लेकिन फिर भी आप इस पूरे माहौल को देख रहे हैं, पत्रकारों पर होने वाले हमले और जैसा उन्होंने कहा कि अंकुश की तैयारी भी इसमें होगी, तो इस सारे दौर में आप आज के इस संचार माध्यमों को बहुत जिम्मेदारी का ये प्रोफेशन है किस रूप में देखते हैं, क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि जैसा समाज होगा वैसा मीडिया होगा तो क्यों हम उनको सम्मान दें, फिर जैसे और प्रोफेशन है वैसे ये भी प्रोफेशन है, क्यों मीडिया के लिए अलग से एनक्लोजर बनाया जाता है, सम्मान इसलिए देते हैं कि हमारी उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं। तो ये पीढ़ी जो अपना भविष्य जर्नलिज्म और उससे जुड़ी हुई अन्य विधाओं में देख रही है, तो वो क्या सोचती है आज के मीडिया के बारे में, कुछ मित्र जो सवाल पूछना चाहें हमारे जिन भी एक्सपर्ट से आमंत्रित हैं, सीधा सवाल पूछें, किनसे सवाल है वो बताएं और अपना नाम बताएं, कक्षा बताएं। हाँ जी हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं मीडिया के बारे में अगर हम करियर बनाते हैं अपना।
फॉल्स नैरेटिव को कैसे चेंज कर सकते हैं? इसमें हमें आपने बहुत इसको कहते हैं कि ज्वलंत शब्द यूज किया है नैरेटिव, तो इसलिए क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट है, मीडिया नैरेटिव बनाता भी है, मीडिया नैरेटिव बिगाड़ता भी है, मीडिया नैरेटिव के थ्रू लोगों को सेट भी करता है और धीरे धीरे नैरेटिव के थ्रू बाहर भी निकाल देता है। तो इसलिए जब मीडिया का स्टूडेंट के नाते हमें इस नैरेटिव को समझना पड़ेगा। मोटा मोटा जब हम नैरेटिव कहते हैं तो नैरेटिव का मतलब ये होता है कि जो है, दो तीन तरह की कंडीशन है, सत्य है तो सत्य को सत्य दिखाना, दूसरा है कि सत्य है लेकिन आप किसी प्रोपेगेंडा के तहत उस सत्य को नहीं दिखाना चाहते क्योंकि उसको दिखाने से कुछ लोगों का भला होता है लेकिन बहुत से लोगों का कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है। आज आप पूरे मीडिया जगत में नहीं, मैं तो आपको यहाँ तक कहूंगा कि जो अभी डॉक्टर चहल ने एक वर्ड यूज किया, इंटेलेक्चुअल वर्ग है जो आज समाज का, यानी कि जो कुछ कहता है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, सुनते रहने के साथ साथ उस बात को मानते भी हैं, उनके प्रोपेगेंडा को समझना पड़ेगा। अभी मान के चलिए कि कुछ दिनों पहले न्यूज क्लिक के कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगे, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ कि आरोप सत्य है नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति अमरीका का बिलियनियर जो है वो चाइना में बैठकर चाइना के प्रोपेगेंडा को न्यूज क्लिक जो भारत का पोर्टल उसमें चला सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि क्या क्या चीजें हमारे यहाँ पे चलती होंगी। इसलिए एज ए मीडिया स्टूडेंट जो भी बनावत सर ने कहा, हम लोगों को अध्ययन करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। गूगल पे मिलने वाली सारी जानकारी सत्य होगी, इस बात को थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमको डिनायल करना चाहिए, हमें R&D के ऊपर जाना चाहिए। कोई भी विषय जो है उसको केवल एक न्यूज़पेपर में पढ़कर, कोई भी एक विषय केवल एक समाचार चैनल में देखकर उसके ऊपर राय बना लेना, ये मीडिया के स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए, उसके तहत जाना चाहिए और क्या हम उसके ऊपर स्टैंड रखते हैं। मैं अधिकतर कहता हूँ कि हम लोगों को भी लगता होगा कि मीडिया हाउसेस जो होते हैं उनका अपना थॉट प्रोसेस होता है। कभी कभी आप एक्स चैनल को देखते हैं तो आपको लगता है BJP का है, कभी कभी आप वाई चैनल को देखते हैं तो आपको लगता है कांग्रेस का है, कभी कभी आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कम्युनिस्टों का है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपका पर्सनल विचार हो सकता है किसी पार्टी के साथ, लेकिन जब आप उस विचार की राजनीति करना शुरू करते हो तब प्रॉब्लम आती है। पर्सनल विचार होने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अभी संजीव बनावत सर ने एक टर्म यूज की एडिटोरियल, तो आप देखेंगे पिछले 15-20 सालों में प्रिंट मीडिया से एडिटोरियल गायब हो चुका है। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि चार किसी एडिटर के नाम बताओ तो शायद आपको ध्यान में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आज प्रिंट मीडिया एडिटोरियल या एडिटर नहीं चला रहे, आज मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंट मीडिया को चला रहे। और मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब ये है कि जो उसका मालिक है वही मैनेजिंग डायरेक्टर है, या मालिक नहीं है, जो उसका रिलेटिव है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो आप सोचिए कि जब मालिक ही मैनेजिंग डायरेक्टर होगा तो मालिक के जो पर्सनल हित होंगे, जो पर्सनल बेनिफिट होंगे, वो कहीं ना कहीं हमें उस मीडिया के अंदर दिखेंगे। तो बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, नैरेटिव को समझना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और आने वाले जो 25 साल है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 का भारत की बात करते हैं, इनमें इन सब चीजों को एक्सपोज करना हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, ताकि जो इस तरह की कुछ प्रोपोगंडा तहत कर भारत को बढ़ते हुए रोकना चाहते हैं। तो इसलिए बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस नैरेटिव जो इन्होंने वर्ड यूज किया है इसको ठीक से समझें, ठीक से पढ़ें और उसके बाद फिर कुछ बोलें। धन्यवाद पवन जी। देखिए पवन जी ने जो बात कही कि किस तरह से नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, और जो उन्होंने कहा कि संपादकीय संस्था का अवमूल्यन जिस रूप में हो रहा है वहां, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शोध अनुसंधान करें। अब तो हम ये चर्चा करने लगे हैं कि अगले 20 साल में कहीं ऐसा ना हो प्रिंट मीडिया खत्म हो जाए। अब अखबारों में रोबोट संपादकीय लिखने लगे हैं, AI एंकर्स आ गए हैं, तो ऐसे दौर में कभी कभी मुझे लगता है कि परंपरागत नौकरियां खत्म होने जा रही हैं और नई नौकरियां इसमें तैयार होंगी, तो आपकी पीढ़ी वो बहुत कुछ देखेगी जो हम शायद नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। और जो शोध अनुसंधान की बात, अब इसराइल और का हमास से जिस तरह से आक्रमण किया उस ग्रुप ने, कितनी तरह के फेक वीडियोस चल रहे हैं, यदि उसको आप सच मान लेंगे तो इस घटना की तह पे नहीं जा पाएंगे। जिस तरह से वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया कवरेज दे रहा है, आपने जलती हुई बिल्डिंग्स देखी, वहां लोगों की पीड़ा क्या है,
जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, भूख प्यास से वाकुल हो रहे हैं, कहां इस तरह की खबरें आ रही है आपके पास? तो ये सारी जो स्थिति है, तो मुझे लगता है कि रिसर्चर के रूप में आपको देखना पड़ेगा ये मुद्दे क्या है और किस तरह से इसकी कवरेज हो रही है। बहुत सारे पत्रकार भी वहां गए हैं, तो जो कहा जा रहा है, अभी इलेक्शन देखिए आप किस तरह से एआई का उपयोग, कल ही मैं पढ़ रहा था कि एआई के उपयोग से आपकी उन जो मनोवृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, उन्हें कहीं कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बहुत सावधानी सतर्कता के साथ ये जो बात बात में फॉरवर्ड करने की प्रवृत्ति है, इसको आपको नियंत्रित करना पड़ेगा यदि आप सही तरीके से इस मीडिया का कंज्यूम करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। कोई और मित्र सवाल पूछना चाहें? इसी में सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो उनका सवाल था, हम जो आपने कहा कि कैसे अब इस जो नैरेटिव की बात आप कर रहे थे उसमें आज पीपीटी तो हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन उस पीपीटी मॉडल से मैं आपको बताता हूँ। पीपीटी मीन्स हम तीन चीजें, वन इज पीपल जो हमारी जनता है, दूसरा हमारा प्रेस जिसको आप मीडिया बोल रहे हो सारे हाउसेस, और तीसरा जो अभी सर ने उठाया एआई मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। तो तीनों का जब समन्वय है और तीनों अपना अपना काम ठीक से करेंगे तब वो फॉल्स नैरेटिव नहीं। सो जुडिशियल यूज ऑफ दिस पीपीटी, पीपल प्रेस एंड टेक्नोलॉजी। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपने नैरेटिव की बात कही, समाचार, समाचार का मतलब होता है सभी के प्रति समान आचार। पवन जी ने भी कहा कि पक्ष लेना है किसका, ना एक्स पार्टी का, ना वाई पार्टी का, ना जेड पार्टी का, लेना किसका पक्ष है, जन पक्ष। और दूसरा जो समाचार पत्र होता है उसकी एक परिभाषा बहुत अच्छी, नई दुनिया के प्रधान संपादक थे अभय छजरा, उन्होंने दिया था, मध्य प्रदेश का बड़ा मशहूर अखबार है और अभी जागरण ने उसको ले लिया। उन्होंने कहा था समाचार पत्र एक ऐसी उत्तर पुस्तिका के समान है जिसके लाखों परीक्षक तथा अनगिनत समीक्षक। मेरी दृष्टि में समाचार पत्र के साथ सभी मीडिया में जो रीडर है, ऑडियंस है, वो उसका रियल किंग है। और ऑडियंस सेंट्रिक जो मीडिया थियरी है वो यही कहता है, जैसे कि गेट कीपिंग थियरी। गेट कीपिंग थियरी में क्या है, चैनल आपके हाथ में है, आप जिसको देखना चाहिए, अखबार आपके हाथ में, आप जिस पेज को देखना चाहिए। और दूसरी तरफ मीडिया जो भूमिका दे रहा है कि जिसको चाहे जीरो से हीरो बना दे, जिसको चाहे वो लाइट, जिस पर लाइट डाल दे लाइन डाट कर दे, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ मीडिया थियरी जिसको कहते हैं मीडिया सेंट्रिक थियरी, जिसमें एजेंडा सेटिंग थियरी और मैजिक बुलेट थियरी, टू स्टेट फ्लो थियरी, मल्टी स्टेट फ्लो थियरी। तो ये मैंने समाचार और समाचार पत्र की जो आधारभूत बातें हैं उसको थोड़ा बताने का प्रयास किया। और मैंने शुरू में भी कहा था कि फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस, दीज आर द कोर ऑफ मीडिया, बट समहाउ दिस इज मिसिंग मोर सो इन द न्यू मीडिया। मीडिया में तो इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही, फैक्चुअलिटी कहाँ है, कितना है देखो, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस। अभी अभी पवन जी ने कहा कि हर आदमी जो यूट्यूब बना रहा है वो जर्नलिस्ट नहीं है, बिल्कुल, और हर आदमी को जर्नलिस्ट बनने की जरूरत भी नहीं। अगर हर आदमी डॉक्टर बन जाए तो क्या होगा, आप सोचिए, खुद सोचिए। हर आदमी पेंटर बन जाए तो क्या होगा, द वर्ल्ड विल लुक वेरी अगली। परीक्षक और समीक्षक है, तो ये जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले हैं वो परीक्षक और समीक्षक के रूप में इस मीडिया का सहारा लेते हुए, किसी समाचार पत्र की हेडलाइन बहुत अच्छी है, हम उसको फोटो खींचा और अपने सोशल मीडिया में डाल देते हैं और उस पर फिर कमेंट शुरू होते हैं और विचार विनिमय की परंपरा शुरू हो जाती है। अभी बहुत सारे मुद्दे थे उसको लेके देश के कुछ अखबारों ने जिस तरह की हेडलाइंस दी गई, मैं सहमति असहमति की बात नहीं करता हूँ, केवल एक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का तरीका, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिविटी मेरी दृष्टि में असंभव है। हर व्यक्ति जो कि सोचता समझता है अपने हिसाब से घटनाओं का विश्लेषण करता है और वो सारी चीज उसकी खबरों में, उसके आर्टिकल्स में, उसके एडिटोरियल में कहीं ना कहीं उसकी प्रतिच्छाया दिखाई देगी। देखिए मैं एग्री करता हूँ, एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इज अ मिथ, वो संभव ही नहीं है, लेकिन ऑडियंस अपने विचार फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और इन जो भी न्यू मीडिया है, जैसे कि नागरिक पत्रकारिता की बात हो रही है, तो वो पत्रकारिता नहीं है वास्तव। जैसे पवन जी ने बताया कि कम्युनिकेटर बन सकता है हर आदमी, अपने कमेंट्स भी दे सकता है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम अखबारों में लेटर टू द एडिटर लिखते थे, बट दैट इज नॉट जर्नलिज्म। इवन आर्टिकल राइटिंग को हम लोग एडिटोरियल पेज को सेमी जर्नलिस्टिक पेज कहा जाता है, कुछ लोग तो नॉन जर्नलिस्टिक पेज। पहली क्लास लेते हो तो एडिटोरियल जैसा हार्ड ऑफ द न्यूज़पेपर ये तो पढ़ाते हो, तो उस हार्ड की धड़कन नरेंद्र मोदी का आर्टिकल आया, नरेंद्र मोदी एक विचारक के रूप में अपने आर्टिकल लिखते, अटल जी का भी आता है, दूसरे लोगों राहुल गांधी का भी आता है, समाज शास्त्रियों का भी आता है, भौतिक शास्त्रियों का भी विज्ञान पर आता है। ये पत्रकारिता से थोड़ा अलग है, विचार है, विचार और समाचार के फर्क को हमें समझना, विचार समाचार की जननी होती। नहीं तो मनोज जी फिर गांधी को पत्रकार नहीं मानोगे आप? मुझे तो थोड़ा सा मैं विवाद करता हूँ, मैं इस पर विवाद करता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है। गांधी 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 का बहुत से संपादक आज हैं जो पत्रकार हैं। आप हेमा मालिनी संपादक थी मेरी सहेली की, कपिल देव एडिटर है। चलिए महात्मा गांधी तो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि पत्रकारिता उनके लिए बहुत छोटी सी बात। कहते हैं कि कपिल देव खिलाड़ी भी हैं और पत्रकारिता की प्रतिभा से संपन्न पत्रकार भी है। सुनील गावस्कर भी हैं, रवि शास्त्री भी हैं, कॉलम राइटर है, कॉलम राइटर आप पढ़ी है, कॉलम राइटर पत्रकार है, तो उनमें पत्रकारिता के गुण है, मैं उसके इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा। तरुण जी आप कुछ कह रही थी? मैं बस क्योंकि नरेटिव से बात शुरू हुई थी तो एक छोटी सी बात में नरेटिव को फिर से ले जाना चाहूंगी, बहुत सभी चीजों को समराइज करते हुए, कि क्योंकि हम यहाँ मीडिया स्टूडेंट्स की क्वेरीज को हैंडल कर रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो मीडिया स्टूडेंट स्पेशली एक नरेटिव को समझने के लिए प्लूरैलिटी ऑफ मीडिया कंजम्पशन इंश्योर करें। आपको कोई एक चैनल, कोई एक एंकर, कोई भी पसंद हो सकता है, कोई एक अखबार पसंद हो सकता है, लेकिन आपके लिए एज अ मीडिया स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग मीडिया की इंफॉर्मेशन को एसेस करें और फिर अपने हिसाब से एक ओपिनियन फॉर्मेशन करें, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत एग्जिस्ट कर रहा है आज के मीडिया में। एक ही तरह की बातें हो रही हैं, इको चैम्बर्स की भी बात हो रही है आज के दौर में, कि जो आप सुनना चाहते हैं वही आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन ये इससे बाहर निकलने के लिए और चीजों की सच्चाई को सही ढंग से समझने के लिए, ताकि जितना पॉसिबल हो आप ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर सके, कि बहुत जरूरी है कि आपका अपना मीडिया कंजम्पशन बहुत ही प्योर हो, आप अलग अलग मीडिया के माध्यमों का को सुने, देखें और फिर अपना एक खुद का अनबायस्ड ओपिनियन बनाने की कोशिश करें, विच शुड नॉट बी टर्म्ड एज नरेटिव अकॉर्डिंग टू मी, बट इट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन जो अलग अलग सोर्सेज पे बेस्ड हो। ये सभी मीडिया के स्टूडेंट्स को करना चाहिए अपनी समझ को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, ये मेरा मानना है। यस, चलिए मेरे ख्याल समय बहुत हो गया, अंतिम सवाल यदि कोई पूछना चाहे। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारा आज का विषय है कि जो मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो वो किस प्रकार बाकी तीन स्तंभ से अलग है, मेरा प्रश्न कुछ। वो तो मेरे ख्याल जो मतलब है उसी में जवाब आ गया था कि जो मीडिया है वो जो तीनों स्तंभ है ना उन पर निगरानी रखता है, मनोज जी ने कहा था वो तीनों पर निगरानी रखता है, मीडिया जो हमारी न्यायपालिका है उसकी भी समीक्षात्मक आलोचना करता है, कार्यपालिका है उसकी भी करता है, और विधायिका जो हमारी संसद है, ये तीन कर्म तो समझते हैं ना, उसकी जो कार्यप्रणाली है, कितने एमपीज ने प्रश्न पूछे नहीं पूछे है ना, कितने एमपीज पहुंचे ही नहीं है ना, बहुत सारी चीजें हैं, और इलेक्शन आ रहा है, हर एक का जो एनालिसिस है जो वो भरते हैं ना अपना नामांकन जब चुनाव लड़ने जाते हैं, उसमें आप अपने एजुकेशन के बारे में, संपत्ति के बारे में सारी जानकारी देते हैं, पूरा एनालिसिस आता है, कितने विधायक या सांसद क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, कितना पढ़े हुए हैं, कितने पीएचडी हैं, कितने प्रोफेशनल, ताकि मतदाता को जागरूक कर पाए। रेडियो और टेलीविजन, विशेषकर दूरदर्शन, आकाशवाणी, वहां पर बाकायदा इन पार्टीज को समय दिया जाता है। पहले जब इंदिरा जी के समय तक ये समय नहीं दिया जाता था, जब शायद वीपी सिंह थे उस समय ये पार्टी पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, तो अब हम कहीं ना कहीं सभी पार्टीज को ये मौका दे रहे हैं कि वो आए और मतदाताओं से सीधा बात करें, तो ये चेंज आ रहा है। मीडिया इन तीनों स्तंभों के बीच में कड़ी का भी काम, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाओगे सबसे पहले, वही जाओगे, ठीक है न्यायपालिका में जाओगे वो अलग बात है, लेकिन आपको मालूम है 20 साल तक निर्णय नहीं होगा है ना, अधिकारी आपको अंदर घुसने नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपके पास मीडिया है, आपकी जो प्रॉब्लम, मैंने कहा ना कि सड़क भी घर के बाहर नहीं है, तो आप जाओगे तुरंत फीडबैक मिलता है ना हमारे प्रशासन को, तो वो सजग होगा, सतर्क होगा। थोड़े से एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं इसको, जैसे मैं स्टूडेंट हूं एजुकेशन का,
तो हम अभी एनईपी 2020 की बात कर रहे थे, वो लोकसभा में सर कह रहे हैं बिल आ गया, लेकिन बिल पावर कहाँ पे है? वो मीडिया बताएगा कितने उसमें पार्लियामेंटेरियन है, कितने पीपल है, कितने टीचर है, वो लोगों की बिल पावर। दूसरा, कोई भी प्रोग्राम पॉलिसीज बनती है उसमें एक इंटेंट होता है, इंटेंट हमारा क्या मंशा थी, ठीक है। अब मंशा और शंका दो वर्ड, उस शंका को दूर करने का काम जो मीडिया करेगा, जो आप प्रहरी की बात कर रहे हैं ना, तो मंशा ठीक है और शंका हमारी ठीक नहीं, शंका करते हैं उसमें होगा नहीं होगा कब होगा, वो एक मीडिया का काम है। तो फर्स्ट जो हम बोलते हैं 3 I में कह रहा हूं उसको, कि फर्स्ट आपका इंटेंट है, दूसरा आप उस इंटेंट के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट का इम्पैक्ट कितना हुआ वो मीडिया का रोल कैसे हम दे सकते। सो मीडिया फोर्थ प्रायरी है, वो फोर्थ पिलर दिस वन कह रहे हो। और दो टर्म आप इसमें और जोड़ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये इंश्योर करना खासकर इन 3 स्तंभों की, मीडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अभी फिर से मैं डिजिटल मीडिया की तरफ जाऊंगी कि उसकी वजह से और ज्यादा ये पॉसिबिलिटी हो गई है कि बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हो और आपको उसके इमीडिएट जवाब सरकार से मिल रहे हैं। और भी जो गवर्निंग बॉडीज है, बहुत सारे प्रोसेस इसकी वजह से और सिंप्लीफाई हो गए हैं और अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहा है मीडिया बहुत सारे लेकिन इसके अंदर हम सब लोगों को, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा कहते हैं कि भारत का मीडिया मैच्योर नहीं है, विदेशी मीडिया आपको ज्यादा मैच्योर लगता है, तो आप कभी इनके कारणों को देखना, आपको ध्यान में आएगा कि विदेशी मीडिया का जो ऑडियंस है वो खुद मैच्योर है। हम 400 रुपए का पॉपकॉर्न किसी मूवी में जाके इंटरवल पे खा लेते हैं, लेकिन 40 रुपए के न्यूज़पेपर के लिए हम 4 रुपए पे करते हैं। तो क्या एज अ मीडिया स्टूडेंट, क्या एज अ कॉमन मैन, ये हमारी मैच्योरिटी ऑफ मीडिया है क्या? यानी कि 4 रुपए का न्यूज़पेपर लेकर आप उस मीडिया से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी के फेवर ना करे, आप उसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कैसे प्रॉफिट ना कमाए? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी ऑडियंस मैच्योरिटी नहीं है, तो इसलिए। और जैसे जैसे ऑडियंस मैच्योर होता जाएगा, वैसे वैसे जो पूंजीवादी शक्तियां और राजनीतिक शक्तियां आज मीडिया पर हावी है वो स्वतः ध्वस्त। आप देखें ना, कभी कभी क्रॉस मीडिया ओनरशिप की हम बात करते हैं, एक मीडिया हाउस है वो प्रिंट में भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक में भी है, वो डिजिटल में भी है, वो रेडियो में भी है, एक ही कंटेंट वो कवर करता है और सब मीडियम्स में चला देता है, तो जो डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट है वो कहां से आएगी? आज पूरे भारत के अंदर केवल 3-4 मीडिया हाउस है जो पूरे मीडिया के डायरेक्शन को रन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि 3-4 लोग मिलकर पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट, क्रॉस मीडिया ओनरशिप, इन सब चीजों से उठना पड़ेगा। जो प्रेस कमीशन थे, दोनों की रिकमेंडेशन है क्रॉस मीडिया ओनरशिप को खत्म किया जाए, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। और उसका एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि वो जो सरकार से पड़ने वाला दबाव है उसको इसीलिए सहन कर पा रहे हैं क्योंकि आर्थिक पावर मजबूत है। आपातकाल में इंडियन एक्सप्रेस इसीलिए खड़ा हो सका था कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जगह थे, ये 2 मिनट में अखबार खत्म कर देगी जो सत्ता पक्ष में जुड़ी है। तो मुझे लगता है दोनों के पक्ष विपक्ष तर्क है इसके, तो इस चर्चा को कभी आगे अपन जारी रखेंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है, कोई अपन मेरे ख्याल समय हो गया है, क्योंकि ये ऐसी चर्चा है कि लगातार चलती रहेगी, कोई अंतिम निर्णय नहीं है, ये केवल आपको उद्वेलित करने के लिए है, ये कहीं विचार के स्तर पर आप इन समस्याओं से, इन प्रश्नों से जूझने की कोशिश करें और उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये आप तो वाक्य नहीं है, कोटेबल कोटेशंस कि ऐसा हो गया तो ऐसा ही हो जाएगा। तो इसलिए केवल आपको उद्वेलित करने के लिए, कहीं इन समस्याओं पर, इन प्रश्नों पर सोचने समझने के लिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पत्रकार को प्रश्न पूछने की आदत होनी चाहिए, ये अच्छा है कि आप लोग लालायित हैं प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है, आप अखबार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की आदत डालें, रेडियो टीवी सुनने की आदत डालें, इस दृष्टि से कि आपको अपने पत्रकारिता के करीब है, क्योंकि आपको मल्टीटास्किंग होना है, जो आपके डिजिटल एडिशन है अखबार के वो छपे हुए भी हैं, उसमें ऑडियो भी है, उसमें वीडियो भी है, तो आप किस तरह से अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, उसमें से जो अच्छी बातें हैं उनको सीखें और जो अपनी कमियां हैं इनको दूर करने के लिए प्रयत्न करें, ये इस चर्चा का उद्देश्य था। मैं आभारी हूँ भारतीय विद्यापीठ
प्रशासन के प्रति, विशेषकर प्रोफेसर एम एन हुड़ा के प्रति, डॉक्टर शील नदी त्रिपाठी के प्रति, और यहाँ की हेड मास्कॉम की आयुषी सचदेव, डॉक्टर वंशिका आदि आदि, सबके नाम मुझे याद नहीं है, उन सभी के प्रति जिन्होंने भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से सतत मेहनत की है, सार्थक प्रयत्न किया है, और हमारे चारों पैनलिस्ट डॉक्टर तनुडा, प्रोफेसर मनोज दयाल, डॉक्टर पवन सिंह और प्रोफेसर अशोक चहल, जो देश के अनेक मंचों पर हम साथ रहे हैं, लेकिन ये अलग तरह का अनुभव इस अकादमिक परिसर में हमको हुआ विद्यार्थियों के साथ। जो टेलीविजन पे और जगह तो इस तरह के बहुत सारे आयोजन किए हैं, बहुत सारे शोज किए हैं, लेकिन ये अपने आप से एक विशेष सुकून और सुगत, क्योंकि वो जो डिबेट आप देखते हैं ना, तो दो मिनट में वहाँ जिस तरह की कहना चाहिए कि तनाव उत्पन्न हो जाता है, वो नहीं रहा। और एक अकादमिक दृष्टि से कितनी शांति के साथ हमने कोशिश की कि इन प्रश्नों को अपने विद्यार्थियों के साथ हम साझा करें, और जैसा बताया गया कि लाइव जा रहा है, देश दुनिया में जो इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है वो इसको देख सुन सकता है, और यूट्यूब के माध्यम से वो अपने समय और सुविधा के माध्यम से सुविधा के समय इनको देख सुन करके और साथ में कमेंट्स कर सकता है। ये सोशल मीडिया ने आपको दिया है कि ये विचार जो है ये लगातार चलता रहेगा, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, इसने उन सारी भौगोलिक दूरियों को तोड़ दिया है। हमारी भाषा, हमारे प्रतीकों को जो समझने वाला है दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है और इस विचार यज्ञ में अपनी आहुति दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।